बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर कल परिणाम आ गया, जिसके बाद लगातार तमाम बातें सामने निकल के आ रही है। कुर्नी उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन के साथ ही इस हार पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पर हमलावर भी है। वहीं सियासी जानकारों का अनुमान है कि जदयू से उसका वोट बैंक खिसक रहा है। कुर्नी उपचुनाव के नतीजे पर लगातार बातें तमाम सामने निकल के आ रही है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष में लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं तमाम हार को लेकर बातें सामने निकल के आ रही है। बीजेपी ने गुरुवार को बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, तो वहीं जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन पिछड़ी सबसे पिछड़ी जातियों MBC और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसमें सेंधमारी कर दी है। भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के मनोज सिंह कुशवाहा को 3649 मतों के अंतर से हराया है, तो वहीं केदार गुप्ता को 76722 वोट मिले हैं। वहीं कुल वैध वोटों का अगर बात कर ले तो 42.3% मिले हैं, तो वहीं जो मनोज कुशवाहा है उनको 73073 वोट मिले हैं, यानी कि 40.3% वोट पूरे मिलाकर कुर्नी में मिले हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री कुशवाहा ने इससे पहले नवंबर 2005 और 2010 के चुनाव में 3 बार सीट जीती थी। हालांकि मुकेश सहनी के नेतृत्व में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के उम्मीदवार नीलाभ कुमार, जो कि कुर्नी के पूर्व विधायक साधु शरण शाही के पोते हैं, उन्होंने भूमिहार वोटों में सेंध लगाते हुए 10,000 वोट पाया, यानी कि 5.5% जो है वोट हासिल उन्होंने किया है कुर्नी में, लेकिन वे भाजपा के विजयी रथ को रोकने में विफल रहे हैं। वहीं AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम मुर्तजा नोटा श्रेणी के तहत कुल वोट 4448 से काफी पीछे छठे स्थान पर रहे हैं, तो वहीं उन्हें सिर्फ 3206 वोट मिले हैं, यानी कि 1.7% ही वोट मिले हैं। वहीं देखा जाए तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में कुर्नी में जीत से जो है भाजपा की ताकत बढ़कर 78 हो गई है, तो वहीं पार्टी के रणनीतिकारों के विश्वास को मजबूत करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुफ्त खाद्यान्न योजना है उसके तहत देखा जाए तो कल्याणकारी उपायों की मदद से MBC और दलितों में जो है प्रवेश किया है। तो वहीं महागठबंधन ने 2015 में बीजेपी को बुरी तरह से हरा दिया था, और वहीं देखा जाए तो नीतीश ने NDA छोड़कर पीछे की वजह यह भी थी कि इस जीत को दोहराने में सक्षम होंगे। तो वहीं परिणाम से पता चल रहा है कि CM नीतीश कुमार को देखते हुए MBC के बीच जो है पैठ लगाने के लिए खुद ही संघर्ष कर रहे हैं। जदयू अपनी सहयोगी पार्टी राजद के वोट बैंक में प्रवेश करने में असफल साबित हो रही है। वहीं देखा जाए तो ऐसे में होने से जो देखा जाए तो जदयू परेशान है। गैर तमाम बातें निकल के आ रही है, गैरतलब हो कि लगातार जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहीं OBC और MBC की अगर बात कर ले तो तमाम जो लोग थे वो उतरे थे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ उसको देखते हुए 2017 में राजद को छोड़कर भाजपा में वापस आए थे नीतीश कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर से एक बार भाजपा को झटका देते हुए महागठबंधन की बिहार में सरकार बना दी नीतीश कुमार ने। लेकिन कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम के बाद तमाम बातें सामने निकल के आई, जहां पर बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की, तो वहीं भाजपा की संख्या अब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राजद से सिर्फ एक कम है। तो वहीं बात कर ले तो जिसके पास 69 विधायक है, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।